ये फेस्टिव फेशियल आप घर पर ही कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और घर में मौजूद चीज़ों से आप एकदम गजब के रिजल्ट अचीव करेंगे। एक क्लीन स्किन अगर आपकी हो और आप उस पर मेकअप करते हैं तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप घर पर ही रेडी हुए हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? एक क्लीन स्किन जो आप घर पर ही अचीव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का फेस्टिव फेशियल क्या करना है, कैसे करना है टू अचीव द क्लीनेस्ट फेस फॉर योर सेल्फ। हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू कीर्तिज ब्यूटी एंड हेल्थ डायरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक सिंपल सा फेशियल शेयर कर रही हूँ जिसके इंग्रेडिएंट आपके किचन में ही मौजूद हैं। जब आप ये फेशियल अपने ऊपर करेंगे तो रिजल्ट देखकर आप बोलेंगे वाह, ये तो सैलून से भी बेस्ट रिजल्ट्स हैं जो हमने घर पर अचीव किए हैं, वो भी सिर्फ एक बार के ट्राई करने से। और जब आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो लिख कर लीजिए आप दूसरी बार भी ये फेशियल ज़रूर ट्राई करेंगे। जी हाँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुदिंग और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको ये फेशियल देगा अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से फॉलो करते हैं। तो हमेशा की तरह हमारा स्टेप नंबर वन है वॉशिंग योर फेस। अब गंदे फेस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, वरना सारी गंदगी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। इसलिए आप अपने फेस को किसी भी फेस वॉश से जो आपके पास अवेलेबल हैं उससे फेस वॉश कर लीजिए। अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है तो आप बेसन से अपना फेस वॉश कर लीजिए। बेसन से बेहतर फेस वॉश कोई है ही नहीं। फेस वॉश से आपके फेस पर जो भी ऑयल डिपॉजिशन पोल्यूटेंट जो कुछ भी आपके फेस पर हैं वो क्लीन हो जाएगा और आपका फेस रेडी है अगले स्टेप के लिए। हमारा अगला स्टेप है जेंटल क्लेंजिंग। ये हमारे स्किन पर ब्लीच की तरह काम करेगा, लेकिन ये ब्लीच नहीं है, ये आपके स्किन के डार्कनेस को हटाता है, आपके डेड सेल्स को हटाता है और आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसके लिए आपको लेना है एक टमाटर का रस, उसमें आपने 1/4 स्पून हनी लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अपने पूरे फेस और नेक पर इसे अप्लाई कर लीजिए। कुछ देर वेट करके इसका सेकेंड कोट भी अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए ताकि वो जो आपकी डार्क स्किन है, बहुत सारे लोगों को नाक के पास लिप्स के पास डार्क डिपॉजिशन हो जाता है, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें एक माइल्ड एसिड होता है जो कि हमारे स्किन के टॉप मोस्ट लेयर को हटा देता है और ये ऑलमोस्ट सभी स्किन टाइप पर सूट भी करता है क्योंकि इसका पीएच और हमारे स्किन का पीएच ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसे आप अपने फेस पर 10 मिनट तक लगा कर रखें, उसके बाद आप अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 3 की। यहाँ आपको स्टीम लेना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमारा जो पुराना तरीका है, एक पैन में पानी को बॉईल कर लीजिए और अपने सिर पर टॉवल ढककर पूरे फेस पर स्टीम लीजिए। लेकिन बी केयरफुल, पानी आपके ऊपर गिरे नहीं या आपका हाथ गर्म पैन से टच ना हो। स्टीम हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है और हमें ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स हटाने में आसानी होती है। आपको ब्लैकहेड्स हटाने में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, एकदम आराम से ब्लैकहेड्स रिमूवर की हेल्प से जितने निकल सकते हैं निकालने हैं, रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है। अब आप अपने फेस को अच्छे से वाइप ऑफ कर लें। हमारा अगला स्टेप है जिसमें आपको लेना है एक पोटैटो स्लाइस, जिसमें आप फोक या चप्पू के हेल्प से छेद कीजिए जिससे उसमें का जूस बाहर आने में हेल्प होगी, और इस स्लाइस को अपने पूरे फेस पर रब कीजिए। देखिए, पोटैटो जूस आपके पिगमेंटेशन, आपके फेस पर जो डार्कनेस होता है, अनइवन टोन, सबको हटाने में हमारी हेल्प करता है। ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा नहीं होगा कि पोटैटो जूस लगाया और पिगमेंटेशन गायब हो गया, जी नहीं। लेकिन हाँ, जब आप इस जूस को अपनी स्किन को टाइम टू टाइम देते रहते हैं तो ये परेशानी आपके स्किन पर आती ही नहीं है। तो इस पोटैटो स्लाइस को अपने पूरे फेस पर आँखों पर अच्छे से रब कीजिए। अब इसी के ऊपर आपको एक बाइट लगाना है, लेकिन जो लोगों को एक से प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एक बाइट की जगह बनाना यूज कर सकते हैं। एक बाइट आपको आपके पूरे फेस पर लगाना है आंखें छोड़कर। आपको एक बाइट के डबल ट्रिपल कोटिंग अपने फेस पर करने हैं। जब आप इसको 5 to 7 मिनट ऐसे ही रहने देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि आपकी स्किन अच्छे से टाइट हो गई है, इस पॉइंट पर आप इसे वॉश कर लीजिए। आप फील करेंगे कि आपकी स्किन एकदम टाइट हो गई है। अब देखा जाए तो इस प्रोसीजर में हमने अपने पोर्स को ओपन अप करके एक वाइट लगाया है,
जिससे हमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगी, और जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है उनको तो और ज़्यादा ड्राई लगेगी। तो अब हम हमारे अगले स्टेप के लिए एक ऐसा मास्क प्रिपेयर करेंगे जिसको जब आप रिमूव करेंगे ना तो आप बोलोगे हमें पानी भी नहीं लगाना है, इतनी हाइड्रेटेड आपकी स्किन हो जाएगी और आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बता रही हूँ ना, हर स्टेप के बाद आपको एग्जैक्टली वैसा ही फील होने वाला है। इस मास्क के लिए आपने लेना है एक बाउल में एक चम्मच ओट्स का पाउडर, 1/4 स्पून वाइल्ड हल्दी और एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। ओट्स भी हाइड्रेटिंग, वाइल्ड हल्दी आपके पोर्स को हील करने का काम करेगी और एलोवेरा जेल भी हाइड्रेटिंग। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने पूरे फेस नेक पर लगाइए। डेफिनेटली हम इसके सूखने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ठीक होता है, तो आपको इसे अपने फेस पर 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है और 15 मिनट के बाद फेस वॉश करना है। आप अपनी स्किन इतनी हाइड्रेटेड फील करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। लेकिन खुशी में एक स्टेप अभी हमारा बाकी है, वो है आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेना है, जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, और अपने फेस पर अप्लाई करना है। और जिनके पास मॉइस्चराइजर नहीं है उन्होंने यहाँ पर लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच रोज़ वाटर और 5 से 6 ड्रॉप लेमन जूस। सभी को अच्छे से मिक्स करना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। आप मानेंगे नहीं, ग्लिसरीन हमारे स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है। इसे लगाकर 15 मिनट रहने दीजिए, फिर फेस वॉश करके जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ करते हैं वो अप्लाई कीजिए और आप खुद देखिए ये फेशियल आपके स्किन के लिए क्या मैजिक करता है। आपकी स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। तो इस फेशियल को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।